हालांकि एक बढ़िया ग्रेनेड आएगा, इनफैक्ट वो स्प्रे था जिसने आदि को डाउन किया है। देखना ये कि फिनिश सिक्योर वो कर पाएंगे या फिर नहीं। अगर टीम ब्लाइंड यहाँ पे सरवाइव कर जाती है तो एक बहुत बढ़िया एरिया उनको मिलने वाला है और उनको भी इस चीज की वैल्यू भली भांति पता है। डेडली के दो खिलाड़ी, उनके ऊपर लगातार वो ग्रेनेड का प्रहार हो रहा है। आप देखिए कितना बढ़िया वो जो स्मोक का कवर है वो क्रिएट करा गया है। टीम ब्लाइंड वो लगातार ग्रेनेड का प्रहार कर रही है बट अभी भी वो कनेक्शन बने नहीं है। रिवाइवल इसी बीच आदि को जरूर मिल जाना चाहिए और वापस से फोर मैन स्टैंडिंग की टीम देखने को मिल जाएगी। बट सर्कल के अंदर इन दोनों ही टीम्स को जाना है और अब ड्राइव बाइस की तैयारी। जी हाँ, ब्लाइंड यहाँ पे पुश करना चाहते हैं। मुझे अच्छा लगा देख के कि कितनी बार रिवाइव दिया उन्होंने अपने प्लेयर्स को। कभी भी ये नहीं हुआ कि अपने प्लेयर को उन्होंने छोड़ दिया और आगे चले गए। हर बार रिवाइव किया, हर बार फाइट में आए और अब नेट से पैम्पर करना चाहते हैं अपने अपोनेंट्स को। एक एक करके स्प्रे दिया जाएगा। हर्ष को यहाँ पे डाउन किया गया। नेविन पोजीशन अच्छी डीपीएस में उन्होंने शिफ्ट जरूर किया बट स्किप्स वहां पे आएंगे। एक अच्छा फ्लैंक एंगल बनाया और खत्म किया अपने अपोनेंट को। ऑलरेडी टीम ब्लाइंड नो फिनिशेस निकाल चुकी है बट T7S पुश किया उन्होंने यहाँ पे इस कंपाउंड के ऊपर और खत्म भी किया अपने अपोनेंट को। बट क्लोक बाहर क्यों गए? आई थिंक क्लोक ही सोच रहे थे कि समय हो चुका है और वो बाहर गए क्योंकि जोन आने वाला था यहाँ पे। जी हाँ, और अब सर्कल के अंदर जाना है। ऑब्सेशन को रिवाइवल तो बिल्कुल भी मिल नहीं पाएगा। व्हीकल लेकर के यहाँ से निकल जाना ही बेहतर रहेगा बट एक ओपन सर्कल है, बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पे रहने वाली टीम के लिए। बीस की बात करें वो अभी भी कुछ स्पेस दे रहे हैं वहां पे, कुछ प्रेशर वो क्रिएट करने की कोशिश कर जरूर रहे हैं। पुष्कर वो जायरो गॉड को डाउन करेंगे और अब पद यात्रा करके ही सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। हेलबॉय की बात करें, एक अच्छा कवर उन्होंने बनाए, सर्कल के अंदर पहुंच चुके बट जेनेसिस स्पॉट करे जाएंगे रे के द्वारा और हेलबॉय को भी वहां पे टेक डाउन किया जाएगा। जेनेसिस के पास भी एक काफी बढ़िया एरिया हमें देखने को मिल रहा है और देखते ही देखते हेलबॉय उनको फिनिश भी किया जाएगा। बीस्ट अभी भी बचते हैं, अपनी टीम को वो टॉप फोर के अंदर तो लेकर के आ चुके हैं। राइवलरी टीम जेनेसिस, टीम ब्लाइंड, ये तीनों ही टीम्स मौजूद अन्य रहने वाली है। देखना ये है कि पहले मुकाबले में चिकन डिनर वो कौन लेके जाता है। देखिए जेनेसिस की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, वहां से वो जोन के अंदर कैसे जाएंगे? स्मोक करके पैदल ही उनको जाना पड़ेगा बिकॉज गाड़ियां ऑलरेडी ब्लास्ट हो चुकी हैं। सारे प्लेयर्स एकजुट हैं, कोई फ्लैंक नहीं कर सकता, स्मोक करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। वही ब्लाइंड के पास अभी भी गाड़ियां हैं और वो चाहें तो पुश कर सकते हैं यहाँ पे। बट आई स्टिल बिलीव राइवलरी, क्या बेहतरीन गेम प्ले दिखाया उन्होंने। हमने ज्यादा उनकी बात नहीं करी, ज्यादा वो दिखे नहीं बट वो अभी तक टिके हुए हैं। उनके पास जोन का एडवांटेज है, T7S के बीस्ट, उनको भी जोन के अंदर जाना पड़ेगा। बट इस इलाके से अगर देखा जाए ब्लाइंड के पास एडवांटेज थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है जस्ट बिकॉज उनके पास गाड़ियां हैं। जी हाँ, और साथ ही साथ मैं चैट से जरूर दरख्वास्त करूंगा कि आपको क्या लगता है इन चार में से कौन सी वो टीम होगी जो चिकन डिनर निकालने के प्रबल दावेदार साबित हो सकती है। क्योंकि राइवलरी के पास आप देखिए वो सर्कल का एडवांटेज भी है और वहां से वो उस एडवांटेज को एक्सप्लॉइट जरूर कर सकते हैं। बस देखना यह है कि वो डाउनहिल का जो रीजन है कहीं वो उनको ज्यादा कॉस्ट ना कर जाए। टीम ब्लाइंड मैन एडवांटेज है, 12 फिनिशेस ऑलरेडी ये टीम निकाल चुकी है। और आप देखिए हमने चर्चाएं की थी कि जो लेजेंडरी टीम्स है उनको एक आईना दिख चुका है BGIS 2023 में तो वो अब कोई भी गलती करना चाहेंगी नहीं। और यहाँ पर तीन ऐसी टीम्स जिनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस और वो बेहतर खेलते हुए भी। जी हाँ, ब्लाइंड जैसे मैंने कहा कि गाड़ियां हैं और वो पुश कर सकते हैं बट आपने देखा किस तरह से स्मोक करके पुश किया उन्होंने। लूसिफर शांतिपूर्वक घास के अंदर गिले सूट पहन के वो बैठे हुए हैं, कैमोफ्लेज उनका बहुत अच्छा देखने को मिलता है। That need, वो नेट सही जगह पे गया और उन्होंने वहां पे नॉक भी निकाला। एक और नेट कुक करते हुए, पोजीशन अभी तक रिवील उनकी हुई नहीं है और मुझे लगता भी नहीं कि उनकी पोजीशन इतनी जल्दी रिवील होगी। जी हाँ, लूसिफर वो बैक टू बैक ग्रेनेड कर रहे हैं, स्मोक का बढ़िया इस्तेमाल किया जरूर है बट ब्लाइंड को कोई आइडिया नहीं कि लूसिफर आखिर है कहाँ पे। वो गमला बन के यहाँ पे लेटे हुए हैं और वो गिली सूट वो सब कुछ है उनके लिए। अभी आदि बहुत ज्यादा लो एचपी, फाइनली लूसिफर वो अपनी पोजीशन को रिवील आउट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। स्किप्स वो आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, पीछे से कवर फायर भी अगेन। टीम ब्लाइंड दे आर डन फॉर दिस मैच एंड टीम राइवलरी वो विजयी बनेंगे इस मुकाबले में लेकर के जाते हुए एक मच नीडेड विनर चिकन डिनर। पहले ही मैच में हमने अंकी सब कुछ देख लिया, यहाँ पे एक्शन था, ड्रॉप फ्लैशेस थे, नए जोन का इफेक्ट था, टीम जोन के बाहर भी कोशिश कर रही थी कि वो फाइट्स में गेटकीप सिनेरियोस यहाँ पे हुए। आखिरी में तो एक ऐसी पूरी मैप में जितने खिलाड़ी हैं उनमें से आपने कितने प्रतिशत खिलाड़ियों को फिनिश किया वो होता है मैप इंपैक्ट। चलेंगे आगे और एक बार नजर डालेंगे अब टॉप 5 प्लेयर्स के ऊपर। जी हाँ, टॉप 5 प्लेयर्स एंड आई एम श्योर कि उसमें ब्लाइंड के और भी प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। ब्लाइंड के स्किप्स तो हैं ही जिन्होंने 6 फिनिशेस निकाले बट जोसान जिन्होंने शुरुआत में ही 3 फिनिशेस निकाल दिए थे वो भी आपको देखने को मिलते हैं और उनका इंपैक्ट भी काफी अच्छा है यहाँ पे। वहीं ब्लाइंड के आदि वो भी हैं, कप्तान है, कप्तान ने खुद यहाँ पे शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करी, 3 फिनिशेस उनके पास। ब्लाइंड के हर्ष, ब्लाइंड के डार्कलोड, जब पूरी टीम ही यहाँ पे आ गई है टॉप 5 के अंदर और क्या चाहिए टीम ब्लाइंड को। जी हाँ, और साथ ही साथ 15 टोटल फिनिशेस, जैसा कि
बेसिक गणित से मैं गिन पा रहा हूँ, क्या बात है, यानी कि टोटल 20 अंक वो इस पहले ही मुकाबले से लेकर के जाएंगे। साफ साफ दिखा दे यहाँ पे टीम ब्राइंड ने आदि एंड कंपनी ने कि वो जिस प्लेन पाथ से ही पता चल जाता है कि उनको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने ड्रॉप पे। बट हम ड्रॉप क्लैश की बात करते हैं, हमें मजा आता है मिजी देखने में, और पिकाडो जो दिल है मेरा मार का, वहां पे अभी दो टीम्स जा चुकी हैं। कौन जीतेगा उनमें से ये तो वक्त ही बताएगा। लूट पे आपको फोकस करना पड़ेगा। एक अच्छी चीज है कि इन दोनों टीम्स ने जो जगह चुनी है वो थोड़ी अलग है, जहां पे आप एफएक्स को देखेंगे वो कैसीनो के आसपास वाले इलाके में लूटते आपको नजर आएंगे, और टीएसजी वो थोड़े से दूसरे इलाके में है जहां पे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। द सुपारी गैंग आप कह सकते हैं कि इन्होंने थोड़े तो कम से कम बदलाव किए हैं। जब पहले हमने इनको खेलते हुए देखा था, निखिल इनके साथ थे, उसके बाद हमने क्रिश को आते हुए देखा, मिनातो उनके साथ जुड़े, उसके बाद हमने एल्यूजन को आते हुए इनकी टीम के साथ देखा। पर उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, थोड़े समय पहले ही मैं बात कर रहा था और उनकी भी बात हम करेंगे, पर उससे पहले देख लेते हैं कि टीम राइवलरी जिन्होंने चिकन डिनर निकाला था, उन्होंने दो खिलाड़ियों को स्पॉट किया है। डैमेज बहुत ज्यादा वो ऑलरेडी दे चुके हैं, पर बट आपको लगता है ब्लाइंड ने अपना कार्य कर लिया है? छह फिनिशेस वो निकाल चुके हैं अभी के लिए टॉप 10 में, शायद वो सातवां फिनिश होगा। जी हाँ, सातवां होगा, शायद ही आठवां होगा। चलिए आठवां तो नहीं आ पाएगा, बिकॉज रीलोड करना पड़ेगा, एक और प्लेयर को स्पॉट किया, उनको भी खत्म किया। आठ फिनिश हुए इनके, जाते जाते एक तोहफा तो दिया है अपनी टीम को। आप ये सोचिए कि वो टीम जितना ज्यादा डैमेज डार्क लॉर्ड देकर गए वहां से, वो सामने जो उनके प्रतिद्वंदी थे, एक ग्रेनेड आया, थोड़ा डैमेज पड़ा, वो टीम एलिमिनेट हो गई। डार्क लॉर्ड डैमेज बहुत ज्यादा वो देकर गए, फिनिशेस भी दो एक्स्ट्रा लेकर गए अपनी टीम के लिए। डाउनहिल प्रेम उनको भी नॉक किया जाएगा, एके अभी भी मौजूद है तो सही, थोड़े और फिनिशेस वो चाहते हैं, पर सर्कल का एडवांटेज आप देखिए, ई फोर शुरुआती दौर में बिल्कुल शांत, और इस मैच में वो सर्कल का एडवांटेज लेकर बैठे हैं। डाउनहिल एक और खिलाड़ी डाउन, लुसिफर उनको भी डाउन किया जाएगा रोलेक्स के द्वारा। स्टार बॉय बहुत समय पहले ही ये खिलाड़ी सर्कल के अंदर मौजूद था, और अभी दो प्लेयर्स के साथ ही आप इनको देख पाएंगे। डाउनहिल एक और खिलाड़ी के नुकसान पर, और देखना ये कि उनका कोई खिलाड़ी बचा है। जी हाँ, एंट्रो एक और आखिरी खिलाड़ी जो मौजूद रहेंगे, बट टीम राइवलरी वाओ कंसिस्टेंसी तो आप देखिए, चारों खिलाड़ी एक बार फिर से इस मैदान में, और इस बार वो फिनिशेस का खाता तो देखिए, आठ टोटल फिनिशेस और चारों खिलाड़ियों के साथ। चलिए फाइनली जोसान को भी स्पॉट किया गया, उनको भी खत्म किया जाएगा, बट बहुत देर तक उन्होंने अपनी टीम के लिए वो फिनिशेस निकालने की कोशिश करी, सर्वाइव किया, बट अब राइवलरी की बारी है। स्टार बॉय 7 के ये खिलाड़ी जरूर नॉक करना चाहेंगे, पहले खिलाड़ी को डाउन किया जाएगा इनकी तरफ से, खत्म भी इंस्टेंटली करा गया, दैट्स अ गुड वन बाय स्टार बॉय, बट इनको भी इंस्टेंटली खत्म किया गया। बट राइवलरी को एक झटका तो वो दे चुके हैं मेजी, ये जरूरी है, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि अब आपको नॉक करके इंस्टेंट फिनिश डालना है, क्योंकि अब आपको वो सर्वाइवल के ज्यादा पॉइंट नहीं मिलते, तो जो फिनिशेस है कम से कम आप वो लेकर जा सकते हो। MI7 लेजेंड्स उनको भी आप देख पाएंगे, सूर को डाउन किया गया। MG के विजर्ड एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, वो अभी भी इस मैदान में, डाउनहिल नो डाउट उनके पास वो प्लेसमेंट पॉइंट का, यहां से भी अगर वो एलिमिनेट होते हैं तो 3 पॉइंट मात्र वो प्लेसमेंट के लेकर जाएंगे। अब वो मौका है कि आप फिनिशेस निकालें, दो फिनिशेस ऑलरेडी इस टीम के पास है। लुसिफर उनको भी डाउन किया जाएगा लक्ष्य के द्वारा, लक्ष्य एचपी बहुत ज्यादा कम हुई, इंट्रो कोशिश अभी भी कर रहे हैं कि जाते जाते कम से कम एक दो और अगर वो फिनिशेस लेकर जाते हैं, फिर बहुत ज्यादा मौके बनेंगे कि जो तीसरा और आखिरी मैच है आज के दिन का वहां। बट एंट्रो की पोजीशन बहुत अच्छी है, उनको यहाँ से फिनिशेस निकालने चाहिए, वो मिल भी सकते हैं उनको, बट वहीं आटो एक प्लेयर को नॉक करेंगे, लक्ष्य वो खिलाड़ी थे जिनको नॉक किया गया, बट MI7 बहुत ज्यादा बैकफुट पे, HP बहुत ज्यादा कम उनके प्लेयर्स की देखने को मिलती है। एक और शॉट वहां पे कनेक्शन होगा, 20 को मिलेंगे 5 और टोटल होंगे 12। टीम राइवलरी, दे आर ऑन अ डिफरेंट लेवल, बट डाउनहिल एंट्रो वो अभी भी मेजी सर्वाइव करते हो, और MG के विजार्ड वो भी सर्वाइव कर रहे हैं 3 फिनिशेस के साथ। देखिए अब ये कहा जा सकता है कि 3 मैच में आसानी से वो 45 अंक आप लेकर जा सकते हैं, पर ऑटो उनको समाप्त किया गया इंट्रो के द्वारा। और मैं बात कर भी रहा था कि अब यहाँ से आप वो प्लेसमेंट पॉइंट ठीक है आप निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे, पर आपको फिनिशेस चाहिए ही चाहिए, एक एक्स्ट्रा फिनिश, और साथ ही साथ एक और टीम जो वहां पर थी MI7 उनको तो एलिमिनेट किया बीस्ट ने, और उस बदौलत आप देखिए कि उनको एक जो प्लेसमेंट पॉइंट था वो एक्स्ट्रा मिला, और साथ ही साथ जो एक एक्स्ट्रा फिनिश था वो भी अपनी टीम के लिए वो लेकर गए, पर विजर्ड जाते जाते वो एक्स्ट्रा फिनिश लेकर जाएंगे अपनी टीम के लिए, और शायद प्ले जोन के बाहर समाप्त होना वो ज्यादा पसंद करें। जी हाँ, अपना फिनिश किसी को देना नहीं चाहेंगे, बट अब बात आती है कि चिकन किसके पास जाएगा, क्या बीस्ट जो ऑलरेडी 5 फ्रैग्स निकाल चुके हैं,
पांच शिकार उन्होंने किए हैं, बट वो भी अब जोन के बाहर हैं। तो लग रहा है बिल्कुल क्लियर कि E4 का ये चिकन आ सकता है। तीन प्लेयर्स उनके पास, पोजीशन उनको पता नहीं है, बट क्या विजार्ड उनको परेशान कर सकते हैं? HP उनके पास है नहीं, जोन के बाहर वो खत्म हो जाएंगे और इसी के साथ E4 वो लेके जाएंगे एक शानदार जानदार विना विना चिकन डिनर। बट तारीफ करनी बनती है ट्राइबल जी की, जो तीसरे पोजीशन पे फिनिश हुए मेजी, और बहुत सारे फिनिशेस उनके पास। टीम एक्सीलेंट फोर, जैसा नाम वैसा काम इस मैच में वो करके गए हैं। फिनिशेस भी बहुत ज्यादा, और साथ ही साथ वो 10 जो प्लेसमेंट पॉइंट है चिकन डिनर के, वो भी आपको मिलने वाले। ताड़ी होता है जो पीछे कवर करने के लिए बैठा होता है और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, बट अब देखना ये कि रिवाइवल्स क्या वो इनिशिएट किए जा सकते हैं। टीम सुपारी गैंग की बात करें, मुश्किलें उनकी भी बड़ी है। इल्यूजन को अपने आप को हील करना पड़ेगा। निखिल को रिवाइवल दिया जा रहा है, सर्कल के अंदर अभी भी जाने की आवश्यकता रहने वाली है, बट एक्सीलेंट फोर वहां पे रिवाइवल चल रहा है। फ्रैगर वो रिवाइवल दे रहे हैं, और ऐसे में TSG वो बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं सर्कल के अंदर आने के लिए, और अगर वो ऐसा करेंगे तो एक्सीलेंट फोर वापस से फोर मैन स्टैंडिंग हो जाएंगे। ये एक बड़ी गलती जो TSG के द्वारा देखने को मिलती हुई, और दूसरी एक और गलती उनके टीममेट्स के द्वारा है कि वो वहां पर रिवाइव करने के लिए बिजी है, क्योंकि ये पांचवां सर्कल है। आप रिवाइव कर भी लोगे तो भी कोई मतलब नहीं बनता, वो खिलाड़ी वहां पर आपको एलिमिनेट होता हुआ दिखाई देगा। इन सब के बीच में टीम जेनेसिस वो सेंटर ऑफ द सर्कल जाना चाहते हैं। गाड़ी बहुत ज्यादा डैमेज ले चुका है, गाड़ी हुआ ब्लास्ट, दोनों खिलाड़ी समाप्त, और टीम जेनेसिस उनका पतन होता हुआ 10वें पायदान पर, जहां पर थे शायद वहां से थोड़ा और दूर तक जा सकते थे टीम राइवलरी, उनका भी पतन प्लेस उनके बाहर ही, और तो समाप्त हो गए। मात्र एक अंक उनके खाते में आया, पर टीम ब्लाइंड आदि के समाप्त होने के बाद भी वो टीम सर्कल के अंदर मौजूद है, और आप देखिए इस मैच में भी वो बहुत ज्यादा अंक लेकर जा सकते हैं, क्योंकि इस सर्कल में एक कंपाउंड मौजूद और वहां पर टीम ब्लाइंड बहुत तेजी में जाकर मौजूद दिखाई देंगे। जी हाँ, और अगला जोन का शिफ्ट देखना है वो भी किस दिशा में जाता हुआ नजर आएगा। अभी के लिए AK वो जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे उनको भी डाउन किया जाएगा। डेडली बहुत ज्यादा मुश्किलों में वो भी देखने को मिलते हुए, और T7 स्पॉट किया गया वहां पे प्लेयर्स को, और देखना ये कि फेरी क्या वो प्लेयर को नॉक कर पाएंगे। बट फ्रैगर व्हाट दी नहीं, एसिड का वो एक स्प्रे था जो कनेक्शन बनाएगा। अगला जोन का शिफ्ट भी आता हुआ, और एक बार फिर से टीम ब्लाइंड वो हमें सर्कल के अंदर देखने को मिल जाएगी। एक्सीलेंट फोर कोशिश अभी भी जारी सर्कल के अंदर पहुंचने की, बट सर्कल वो उनसे हर बार दूरी बनाता हुआ नजर आएगा। पुष्कर वो एक आखिरी खिलाड़ी जो बचते हुए नजर आएंगे, वहीं दूसरी तरफ द सुपारी गैंग वो डिस इंगेजमेंट उनके काम आई। तीन खिलाड़ी शेष और तीनों ही सर्कल के एज पे। देखिए बैरल 6x का इस्तेमाल बहुत कम हम देखते हैं, और वो भी जब आप स्प्रे कर रहे हो, प्रॉपर स्प्रे जब आप वो कर रहे हो वहां पर। वहां सिचुएशन थोड़ी सी डगमगा सी गई। पुष्कर वो अभी भी रिवाइव करने को तैयार है, सू उनको रिवाइव किया जाएगा, हालांकि बहुत आसानी से साइको के द्वारा एलिमिनेट किए जाएंगे। 6 फिनिशेस आ चुके हैं T7 के पास, पर पिछले मैच के विजेता इस मैच में मात्र केवल 2 प्लेसमेंट पॉइंट के साथ एलिमिनेट किए जाएंगे। पंती है जिस तरीके से पिछला मैच उन्होंने खेला, इस मैच में भी शानदार शुरुआत उनके द्वारा देखने को मिली, पर आपको शायद T7 का टीम ब्लाइंड के ऊपर उन्होंने पुश किया। अभी तो अपने खिलाड़ी को रिवाइव करते हुए आपको दिखाई दिए थे, वहां पर एक खिलाड़ी आया उनको भी डाउन किया गया, और देखते ही देखते T7 उनका भी एलिमिनेशन, टीम ब्लाइंड 7 फिनिशेस ऑलरेडी उनके खाते में। मेरे को लगता है वो 45 का आंकड़ा जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, वो टीम ब्लाइंड अब यहां से पार करती हुई जरूर नजर आ सकती है। डाउनहिल उनके वो एक खिलाड़ी जॉर्ड, देखना ये कि कितनी देर तक वो सर्वाइव कर पाएंगे। हालांकि घिरे हुए हैं और हील बैटल करने की जो कोशिशात है वो जरूर हो सकती है। एसिड वो आगे की तरफ मौजूद, और उनके सामने तीन खिलाड़ी रहने वाले, अपने आप को वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ग्रेनेड का प्रहार है वो भी किया जा रहा है, पर डाउनहिल ने कम से कम फिनिशेस बहुत ज्यादा बढ़िया निकाल दिए हैं। 8 फिनिशेस उनके पास मौजूद, एक खिलाड़ी पीछे हील बैटल भी कर रहा है। एसेट वो यहाँ पे कुछ खास काम कर नहीं पाएंगे, उनका भी समापन देखने को मिलता हुआ। और MI7 वो एक फिनिश के साथ अभी भी सर्वाइव करते हुए, बट टीम ब्लाइंड के डार्क लॉर्ड 5 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। MVP की रेस में एक बार फिर से वो सबसे आगे आएंगे, और देखना ये है कि चिकन डिनर वो फाइनल नेल इन द कॉफिन, क्या वो एक बार फिर से टीम ब्लाइंड के पास जाएगा? अब तो आसान रहेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि जो सामने वाली टीम है मात्र वही सर्कल के अंदर है, और उन्होंने एक खिलाड़ी को ऑलरेडी समाप्त कर दिया। ब्लाइंड एक बार फिर से 8 फिनिशेस के साथ, पहले मैच में 15 निकाले, दूसरे मैच में 8 फिनिशेस निकाले, इस मैच में एक बार फिर से 8 फिनिशेस के साथ आपको दिखाई देंगे। पर मैं चर्चाएं कर भी रहा था कि TSG उनको कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, चाहे वो गेम प्ले में हो या फिर अपनी रोटेशंस में हो, वो चीज उन्होंने की है। 6 फिनिशेस वो निकाल चुकर यहां भी एलिमिनेट होते हैं, तो वो 5 प्लेसमेंट पॉइंट लेकर जाने वाले हैं, यानी कि 11 अंक, और वो जो एवरेज है वो मेंटेन कर अभी भी रखा जा सकता है। एक मैच से आप बहुत शानदार वापसी कर सकते हैं। TSG
इल्यूजन बहुत ज्यादा ओपन में उनको डाउन किया जाएगा और निखिल वो तो खैर सर्कल के बाहर फंस गए, पर वेनम बहुत ज्यादा ओपन में आए, फ्रेंजी एचपी डाउन होती हुई, और मुझे लगता नहीं है कि यहां से कहीं और दूर तक वो अपनी टीम को पहुंचा पाएंगे। देखिए वहां पे वो जो फाइट हुई ना टीएसजी की, वो अब फायदा देके जाएगी टीम ब्लाइंड को। निखिल वो आखिरी खिलाड़ी बचे थे, उनका भी समापन हमें देखने को मिल जाएगा और अब एक 1v2 की फाइट है, फ्रेंजी उनको भी स्पॉट किया जाएगा और टीम ब्लाइंड एक बार फिर से वो बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएंगे और इस बार तो चिकन डिनर भी हमें उनके पास जाता हुआ नजर आएगा। फिनिशेस वहां पर कोई कमी नहीं और साथ ही साथ 10 वो इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट के अंक भी जाते हुए टीम ब्लाइंड के पास। आप डार्क लॉर्ड को देखिए कि इससे पहले वाले मैच में उन्होंने 6 फिनिशेस निकाले, अगर मैं गलत नहीं इस मैच में होगा 65% का, ये पिछले मैच में था 72% का फिनिश कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर मैप में वो देकर गए। और चलते हैं सीधा टॉप 5 की तरफ, वहां पर आपको कुछ अन्य जो नए खिलाड़ी हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हमने डाउनहिल के खिलाड़ियों की बात करी, इन्होंने भी 4 फिनिश जरूर निकाला। गट्स की हमने बात करी, 4 उनके पास भी आया। फिर हमने एके चौड़ की बात करी, 3 वहीं पर उन्होंने शुरुआती दौर पर ही 1v3 किया था। फिर डेडली के नेविन, वो भी 3 फिनिशेस के साथ, और नेविन ने पहले भी बहुत ही ज्यादा बेहतर खेला है, मेरे को BGIS याद आ रहा है, जी हाँ वहां से वो बहुत ज्यादा बेहतर खेलते हुए नजर आए थे और यहाँ पर भी वो सेम चीज को कंटिन्यू करते हुए नजर आए हैं। और देखिए मैं इसीलिए BGIS से बहुत ज्यादा करीब अपने आप को महसूस करता हूँ, तो सितारों को बनते हुए देखते हैं। अभी आप देखिए होंगी बट मैप के ऊपर आते हैं, नया ग्रुप दोबारा से एरांगल, प्लेन पाथ फिर भी सिमिलर है, मिलिट्री बेस से शुरू होता हुआ स्टालबर्ग के पास जाएगा। पहले वाले मैप में भी ऐसा ही कुछ प्लेन पाथ देखने को मिला था। अब देखना ये कि यहाँ पे ड्रॉप क्लैशेस वो किस प्रकार से होते हुए नजर आएंगे। टीएच की स्क्वाड की बात करें, वो तो मिलिट्री बेस के थोड़ा सदर्न एरियाज की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ जो प्राइमरी ड्रॉप लोकेशन रहता है टीम ओरैंगुटन का, वो उसी ड्रॉप लोकेशन को प्रायोरिटाइज करते हुए नजर भी आने वाले हैं। ग्लैडिएटर्स की बात करें तो अलग खिलाड़ी हमें खेलते हुए नजर आएंगे, जो पुरानी लाइनअप है वो बिल्कुल भी यहां पर रहेगी नहीं, वो एक दूसरे लाइनअप के अंडर हमें खेलते हुए नजर आएंगे। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि ग्लैडिएटर्स का वो जो एक लेगेसी है उसको कितना बेहतर तरीके से आगे लेके जाया जा सकता है। बट इसी बीच जो पहला नॉक है वो भी आता हुआ नजर आएगा, फ्रैटिक ईस्पोर्ट्स यहां पर आएगी और रिट्रीट काफी बेहतर तरीके से पहला फिनिश निकालेंगे अपने खाते में। देखिए क्रैटिक को हमने पहले भी देखा है, बहुत अच्छा खेलते हैं ये सारे खिलाड़ी और यहाँ पे भी उम्मीदें यही है कि वो और बेहतर खेलें। ड्रॉप क्लैश हुआ, एक प्लेयर को खत्म किया, एरांगल पिछला जो हुआ था उसमें इतने ज्यादा ड्रॉप क्लैश थे नहीं, बट हाँ फाइट हुई थी पोचिंकी के आसपास और यहाँ पे भी मिलती बेस में ये फाइट शुरू हो चुकी है। पहला फिनिश मिलता हुआ क्रैटिक को, सर्कल के अंदर एंटर करते हुए स्टेलर ईस्पोर्ट्स के खिलाड़ी भी और जहां जाएंगे वहां पर खिलाड़ियों को पाएंगे और वो तो अभी टीम मेहम के ऊपर आ चुके हैं। टीम मेहम वो ऑलरेडी काफी वल्नरेबल पोजीशन में मौजूद हैं और ऐसे में मात्र 2 खिलाड़ी मौजूद, देखना ये अमान क्या वो कुछ अलग करके जा सकते हैं। ये लीजिए एक नॉक आया, जरूर डेंजर की बात करें वो डेंजरस साबित हो सकते हैं, लेकिन अभी भी टीम में है वो 3 खिलाड़ियों के साथ शेष। देखिए स्टेलर ने कोशिश अच्छी करी बट वहाँ पे बहुत सारे टीम्स का स्प्रे आ रहा है, इतना आसान नहीं है वहाँ पे होल्ड आउट करना, बट मेहम कोशिश देखिए उनकी लाजवाब, इट वाज एवरीथिंग, अमान ने करा है अपना काम और यहाँ पे स्टेलर ईस्पोर्ट्स इतना स्टेलर प्रदर्शन अभी तक कर नहीं पाए अमान। अब वो आगे बढ़ते हुए एक टीबीएस एफपीपी मोड में शिफ्ट करेंगे, 3 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं उस एक नेट से, खिलाड़ियों को उन्होंने डाउन किया और आखिरी खिलाड़ी पे भी डैमेज बहुत ज्यादा, कुछ पाश का भी आता हुआ और इसी के साथ स्टेलर ईस्पोर्ट्स वो पूरी तरह बैकफुट पे थे जरूर बट आखिरी खिलाड़ी 1 एचपी के साथ एक प्लेयर को नॉक किया, रीलोड पे गए हैं कि ये सही समय है अमान का अगर कुछ करना चाहते हैं, बट वो भी रुके हुए हैं, स्मोक है वहां पे इसलिए रुकावटें बहुत ज्यादा। जी हाँ और वो स्मोक बहुत बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ा भी रहा है। चलिए बाकी के जो प्लेयर थे वो भी आ जाएंगे टीम में के और वो सिर्फ तलाश कर रहे हैं, चलिए अंदर वो गए लेकिन वो शॉट का कनेक्शन आएगा, अभी भी वो खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, टीम में मुश्किलें बढ़ेंगी उनके, बट फाइनली उनको शट डाउन किया जाएगा नरसेन के द्वारा। स्पार्क गॉड का एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन, एक बहुत बढ़िया एफर्ट जो हमें देखने को मिला। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि क्या थ्रोएबल्स नहीं थे टीम मेहम के पास, उसका इस्तेमाल वहां पे किया जा सकता था, बट स्मोक भी वहां पे बहुत ज्यादा था और एग्जैक्टली पता कर पाना कि खिलाड़ी मौजूद कहाँ हैं वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल। अच्छी बात यह है कि 3 खिलाड़ी अभी भी टीम मेहम के सर्वाइव करेंगे। The only reason mayhem is surviving is because तीनों साथ में गए, अगर एक एक करके ऐसे ही जाते रहते तो फिर बचना बहुत ज्यादा मुश्किल था और वो सामने वाला स्टेलर का खिलाड़ी गॉट एचपी गोल्डन एचपी के साथ थे। वाओ कमाल का बैटल यहां पे चलता और स्पार्क गॉड ने अपना काम किया, वो 2 फिनिश करके ना वो भी कहते हैं मैं भी पुश करूंगा और वो पुश करने के चक्कर में वो भी खत्म हुए। बट वो की अगर बात की जाए ना कि 6 फिनिशेस निकाल चुके हैं ग्लैडिएटर्स पूरी तरह से बैकफुट पे, इनफैक्ट उनके जो वेपन था वो रिलोड पे चला गया था, वो गन स्विच नहीं कर पाए थे उतने कम एचपी में भी, मतलब यू नेवर नो इट माइट बी पॉसिबल कि वो और भी ज्यादा डैमेज दे सकते थे। बट टीम ग्लैडिएटर्स वो सर्कल के अंदर आने की जद्दोजहद में थे,
इफ आई एम नॉट रॉन्ग फिनिशेस भी उनके पास ज्यादा आए नहीं है, और ऐसे में ये एक साधारण प्रदर्शन जो हमें ग्लैडिएटर्स का देखने को मिलता हुआ, वहीं दूसरी तरफ टीम में है उनके सामने चुनौतियां ही चुनौतियां देखने को मिल रही है। इवोक वो उनके सामने मौजूद, ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या पता है कि एक खिलाड़ी यहां पर मौजूद है, ये लीजिए ग्रेनेड आएगा, डैमेज बहुत ज्यादा लेकिन ये एक बेहतर ग्रेनेड जो जाता हुआ नजर आएगा और इंस्टेंटली वहां पर ओटन को टेक डाउन किया जाएगा। अब देखना यह है कि पाश ओजी वो यहां से क्या अलग कर सकते हैं, और नारसेन वो तो खैर अभी भी सर्कल के बाहर ब्लू जोन का डैमेज लेते हुए। अगर इनके पास यूटिलिटी होती ना तो ये स्मोक कर सकते थे वहां पे, ये अपने आप को हील करके जा सकते थे, बट नहीं है उनके पास यूटिलिटी। नारसेन को मेरे को लगता है उन्होंने सारी फर्स्ट एड दे दी थी और नारसेन के पास भी बस केवल एक फर्स्ट एड अब बची है। यहाँ पे बैंडेजेस का इस्तेमाल करके पाश अपने आप को हील करेंगे, बट जब तक वो फुली एचपी उनकी होगी तब तक तो सेज यहाँ पे रिवाइव कर देंगे। इट्स रियली इंटरेस्टिंग, दोनों खिलाड़ी वहां पे आ चुके हैं और मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे मेहम कैसे एंटर करेंगे जोन के अंदर। नारसेन के पास वो आखिरी फर्स्ट एड थी और वो कितनी बेहतरीन तरीके से सर्कल के अंदर आ चुके हैं, क्या बेहतरीन जो मुजाहिरा है यहाँ पर वो हमें देखने को मिलता हुआ, स्किल्स का वो टाइमिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और वो कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा चाहिए होता है ऐसी चीजों को पुल ऑफ करने के लिए। बट अभी के लिए वो उनको पता है एग्जैक्टली कहाँ पर मेम के जो खिलाड़ी हैं वो मौजूद हो सकते हैं। एक बढ़िया स्मोक की जो वॉल है वो बनाई जरूर गई है, बट आप इन सब के बीच में द अनस्टॉपेबल्स को देखिए, वो ट्रेंच उनके पास मौजूद और यहां से वो एक बड़ा मुकाबला भी निकाल सकते हैं। इवोक के प्लेयर्स वो भी अब उस ट्रेंच में आ चुके हैं और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि ट्रेंच में आके सरवाइव कौन करने वाला है। ये ट्रेंच वॉरफेयर पिछले रैंगल में भी हमने देखी थी अंतिम क्षणों में आके, और यहाँ पे भी वो होगी। मेहम मीनवाइल दोनों खिलाड़ी स्मोक करके अब रैंक पे आपको नजर आएंगे, क्या वो ट्रेंच तक पहुंच पाएंगे एक बड़ा सवाल। इवो मीनवाइल रीलोड पे आए, गोल्डन एचपी वहां पे बची है और वो भी आगे पुश करना चाहते हैं। स्पॉट वो यहाँ पे खतरे में, ओपन में प्लेयर्स पकड़े गए, ट्रेंच का कवर बना के शॉट किया जा रहा है, ट्रबल बहुत ज्यादा ट्रबल में डालते हुए अपने अपोनेंट को, बट वो की सेज से थोड़ा बचना पड़ेगा, वो यहाँ पे अभी भी है। सेज चलिए एक बार फिर से रिवाइव करते हैं, आपको नजर आएंगे। आई रियली वॉन्ट टू सी के कौन लेके जाएगा इस मैच में बिना बिना चिकन डिनर। जी हाँ, अभी भी कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल जरूर रहने वाला है। रेडिच रीबॉर्न की बात करें तो उनके पास भी एक बढ़िया एरिया देखने को मिल रहा था, हालांकि अभी के लिए एम गॉड वो आखिरी खिलाड़ी सर्वाइव करेंगे, बट टीम मेहम जितनी तारीफ की जाए इनकी सर्वाइवल स्किल्स की उतनी कम रहने वाली है। हीलिंग्स उनके पास ठीक तरीके से मौजूद नहीं है, बैंडेड्स लगा लगा के ब्लू जोन को आउटरन कर रहे हैं और एक बार फिर से ये दो खिलाड़ी सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। वहीं अनस्टॉपेबल्स की बात करें, एक बढ़िया ग्रेन और अब वो जो ट्रेंच का पूरा कंट्रोल है वो लेना चाहते हैं। इवोक के ऊपर एक बढ़िया पुश भी आ रहा है और आप देखिए AKM M416 का वो कॉम्बिनेशन, इवोक के पास कोई मौका है नहीं, पीछे से कवर फायर आएगा जरूर। लेजेंड को टेक डाउन किया गया बट रिवाइवल वो मेरे ख्याल से काफी आसानी से हो जरूर सकता है, और अभी के लिए इवोक को प्रोवोक तो किया है टीम अनस्टॉपेबल्स ने। जी हाँ, बट बाकी प्लेयर्स भी यहाँ पे इवोक के आ चुके हैं और वो चाहेंगे कि रिवाइव दिया जाए। गाड़ी का कवर उनके पास है, एक अच्छा एडवांटेज वो बना सकते हैं अगर नॉक किया जाए अपोनेंट के प्लेयर्स को। बट ये क्या हुआ, यहाँ ईगल कहाँ चले गए हैं, वो दूसरी तरफ गए हैं, आई थिंक सेज है वो दूसरी तरफ चले गए हैं, शायद वहां से इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, दैट इज द ओनली रीजन के वो अपने टीममेट्स के पास ना जाके दूसरी तरफ जाते हुए। जी हाँ, मतलब उनके पास उतनी एचपी भी है नहीं, मैं भी समझना ही चाह रहा हूँ कि वो उस दिशा की तरफ क्यों जा रहे हैं, फिनिश ऑफ भी हो जाएंगे। वहीं पास की बात करें उनको भी काफी ज्यादा डैमेज वहां पे पहुंचाया गया, बट अब कम बैक करने की कोशिश इवोक की, शेर यहां पर मौजूद है, दहाड़ में देखना चाहता हूं कि कितनी ज्यादा तेज हो सकती है। S12 के लेके ऑफ कवर गए और टीम अनस्टॉपेबल्स को स्टॉप करने में कामयाब रही है यहां पर इवोक की टीम, और टीम मेहम वो टॉप 2 के अंदर आ चुके हैं। इवोक के पास 14 फिनिशर्स, आगे बढ़ेंगे नारसेन, क्या वो क्लच करके जा पाएंगे, डैमेज बहुत ज्यादा और टीम मेहम, व्हाट दैट वाज अनबिलीवेबल स्टफ कमिंग अप फ्रॉम नारसेन, एक बार फिर से उन्होंने अपने टीम को बचाया, इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल करके दिखाया और टीम मेहम के खाते में जाता हुआ ये विनर विनर चिकन डिनर देखने को मिल जरूर रही है मेहम के रूप में। चलेंगे आगे, नजर डालेंगे टॉप 5 प्लेयर्स के ऊपर, और देखिए मेरे मुताबिक तो मुझे नारसेन ही लगे जो बहुत ज्यादा बेहतर खेल के गए। उस सिचुएशन से अगर वो इंसान अपनी टीम को दिला सकता है चिकन डिनर तो वो बहुत ज्यादा बेहतरीन बात है, और चलिए टॉप 5 में वो देखने को मिल भी जाएंगे। 5 टोटल फिनिशेज दोनों ने भी निकाले, 8% का मैप इंपैक्ट, और टीम में हम अभी के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन ओवरऑल स्टैंडिंग्स में। एंड यू नो व्हाट, ये तो अभी शुरुआत है, पहला मैच देखा है हमने, बहुत कुछ देखना बाकी है इन प्लेयर्स की तरफ से। क्रैटिक की रिट्रीट, उन्होंने भी काफी अच्छा खेला और रिट्रीट कराने पे मजबूर किया अपने अपोनेंट को। इवोक के हाई ने भी बहुत अच्छा खेला, एंड यू नो मेगाट्रॉन के हिटलर, ही आल्सो प्लेड वेल इन दिस वन, 4 फिनिशेस उनको मिल, सही पोजीशन पे थे वहां पे। अब उस चीज का ध्यान भी देना पड़ेगा कि भाई अगर जोन आपसे दूर जाए तो आप किस तरीके से खेल सकते हो। जैसे हमने टीम ब्लाइंड की बात करी थी मिरामार में, वो कितना दूर से रोटेट कर आए थे, जोन के अंदर गए,
डार्क लॉर्ड जाते जाते जो एक्स्ट्रा फिनिशेस थे वो लेकर गए, छह पे वो समाप्त हुए। लैपिड वो सबसे पहले फंस चुके हैं, विस्जॉर्ड जैसे आपने तारीफें की हैं, आज आप जिसकी भी तारीफें कर रहे हैं दिक्कत में फंस रहे हैं, वो अलग बात है कि लैपिड उनके पास इस वक्त कुछ भी मौजूद नहीं है। किस्मत किसी की कितनी खराब हो सकती है कि एक शैक में आप गए और आपको एक भी वेपन नहीं मिला। जी हाँ, कुछ नहीं मिला उनको। और वर्जन 9 यहाँ पे ऑलरेडी पूरी तरह से बागफुट पे, ब्रिगर को वो पहला फ्राग मिला, वो अपने वेपन्स लेके आ गए थे। बट यहाँ पे अगर आप देखें वर्जन 9 के प्लेयर्स वो ज्यादा दूर है नहीं, मेजी करीब आए थे बट उन्होंने भी डिसाइड किया कि शायद फाइट लेना सही नहीं होगा। ब्रिगर वो पीक करना एक गलती साबित हुई, ये तो अच्छा हुआ वहां पे वो इन्फर्नस, उनके यहाँ पे आपको विंचेस्टर के शॉट्स देखने को मिलते हैं और बगी के टायर अभी के लिए पंचर हो चुके हैं। वो बहुत जरूरी है, पर आप देखिए कि इस चीज को ध्यान में रखा जाए कि अभी भी आप सही ठिकाने तक पहुंचे नहीं है, अभी तक आप सही लोकेशन पर नहीं गए और बहुत कम अपने आप को हील करने की कोशिश। वो एक आखिरी खिलाड़ी मात्र मौजूद, देखना यह कि क्या एक और ग्रेनेड इनके ऊपर आने वाला है या फिर नहीं। पर रिट्रीट वो अलादीन के द्वारा डाउन किए गए और देखते देखते मैं बात कर ही रहा था कि ग्रेनेड आएगा, पर उससे पहले एकेओपी ने शेर को देख लिया और उनको वहीं पर ढेर किया और इसी के साथ एक और टीम का पतन। पर एकेओपी क्या शानदार ये खिलाड़ी, पर एमओ की थोड़ी कमी हो सकती है, अपने टीममेट्स के पास वापस जाने की जरूरत और थोड़े बहुत एमओस की भी। देखिए सिर्फ 35 एमओ यहाँ पे उनकी बची है, M4 के अंदर स्प्रे तो बहुत शानदार देखने को मिला था उनकी तरफ से और मुझे लगता है बहुत देर से स्प्रे कर रहे हैं तभी एमओ उनका खत्म होता नजर आया। बट ओरांगुटान इनके पास है, काफी ज्यादा अच्छा इनके पास एमओ है, बट जैसा आपका रिएक्शन है मेजी, वो ब्लास्ट वहां पे हुआ जरूर है बट अभी भी चांस है रिवाइवल का, उनके पास मौका रहेगा। विजॉर्ड मीनवाइल एक और प्लेयर को डाउन करेंगे, प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल, स्पॉट्स अनदर, टेक्स अनदर वन डाउन। बहुत शानदार एफर्ट यहां पे ओरांगुटान का और ऑलरेडी अभी से स्टेज 5 में 10 फ्रैग्स ओरांगुटान के पास। क्या शानदार वापसी आप कह सकते हैं, पहला मैच भी उनके लिए खराब नहीं था, 6 फिनिशर्स निकाले थे पर इस मैच में 10 नार्सेन उनको भी समाप्त किया गया। MYM पहला मैच बहुत बढ़िया खेला चिकन डिनर पर इस मैच में ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए, मात्र केवल 2 प्लेस। OG 10 टोटल फिनिशेस, अगर वो इस मैच में चिकन डिनर निकालते हैं मैं मान के चलता हूं कि 25 से कहीं ज्यादा अंक जो आपको OG के पास देखने को मिल सकते हैं। इन सबके बीच में ग्लैडिएटर्स उनकी भी तारीफें बनती है, जिस तरीके से सर्वाइवल गेम उन्होंने खेला, पर इससे काम नहीं चलने वाला, अब आपको वो जो फिनिशेस हैं वो भी निकालने पड़ेंगे। इन सबके बीच में एक और टीम डेसिंक, जिनको शुरुआती दौर में हमने प्लेयर्स को गवाते हुए देखा था, अभी भी उनके 2 खिलाड़ी इस मैदान में, शायद 3, एक और नीचे मौजूद है। देखिए जब आप टॉप 5 में या टॉप 6 में आते हैं ना, अब आपके गोल बदलने चाहिए, अब आपको चिकन के लिए जाना चाहिए, बिकॉज आप आ चुके हैं ऑलरेडी, काफी कम प्लेयर्स बचते हैं, सबको फिनिश कीजिए, चिकन निकालिए, फायदा जरूर होगा। मैवरिक के बिस्कुट जो आखिरी प्लेयर बचे थे उनको भी समाप्त किया जाएगा। इसी के साथ 5 टीम 16 प्लेयर्स बचे हैं और ये मिरामार बहुत केओटिक हुआ है, शुरू से लेकर अंत तक काफी फाइट्स हमने विटनेस करी। बट अभी भी अगर आप डीसिंग को देखेंगे वो डाउन द रेज है, फंसे वो वहाँ पे खिलाड़ी विस्जॉर्ड उस आखिरी खिलाड़ी का इंतजार कर रहे हैं कुरोको का, जो आएंगे तो जरूर गोली खाएंगे। क्या स्प्रे, क्या शानदार स्प्रे, और इसी के साथ एक और खिलाड़ी को डाउन और उन्होंने हाथ ही हाथ उनको समाप्त भी कर दिया, वहां तक जाने का मौका भी नहीं दिया। पर इन सबके बीच में एडी वो अभी भी फिनिशर्स निकाल रहे हैं, मैट्रिक्स उनको डाउन किया गया, पर वो एकेओपी थे जिन्होंने मैट्रिक्स का फिनिश चुरा लिया, पर विस्जॉर्ड वो रुकने को तैयार नहीं है, एक और खिलाड़ी को उन्होंने स्पॉट किया, समाप्त किया नाइट, वो बसते एक आखिरी खिलाड़ी और देखते ही देखते ओरांगुटान 13 टोटल फिनिशर्स और एकेओपी 6 फिनिशर्स के साथ। इस मिरामार को अपना जंगल समझ लिया है ओरांगुटान के इन खिलाड़ियों ने, जहां पे ग्लैडिएटर्स के 2 खिलाड़ी अभी भी शेष हैं, बट हायर ग्राउंड से एकेओपी कहर बरपाते हुए 6 फ्रैग्स वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अभी भी मौका पूरा उनके पास के वो और ज्यादा फ्रैग्स निकाले। बट सामने एक प्लेयर को स्पॉट किया, शॉट लेने की कोशिश, डैमेज काफी हद तक उन्होंने वहां पे दिया है बट नॉक अभी तक मिला नहीं उनको। CRC उनको थोड़ा समझ के रहने की जरूरत है, थॉर ज्यादा कम, एक ग्रेनेड और थॉर को डाउन किया जा सकता है, पर AKOP वो खिलाड़ी रुकने को तैयार नहीं, अलादीन वो भी डाउन किए जाएंगे रिट्रीट के द्वारा, और देखते ही देखते CRC भले उन्होंने 5 फिनिशेस निकाले हो पर अभी भी चिकन डिनर बहुत ज्यादा दूर है। आश एक और ग्रेनेड के साथ थॉर उनको डाउन किया जाएगा, एक और ग्रेनेड रिट्रीट के द्वारा, और जो नीचे ग्लैडिएटर के खिलाड़ी डाउन थे वो भी समाप्त कर दिए गए। पर OG इस मैच में अगर वो चिकन डिनर निकालते हैं तो शायद इस पूरे ग्राइंड का, हालांकि ये पहला ही दिन है, पर मैक्सिमम फिनिशेस के साथ वो विनर विनर चिकन डिनर आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ, सबसे ज्यादा पॉइंट्स एक मैच में निकालने वाली टीम बन जाएंगी, रिकॉर्ड्स बहुत बनेंगे, रिकॉर्ड्स बहुत टूटेंगे, बट अब रिकॉर्ड बनाना जरूरी भी उनके लिए, क्योंकि पहला मैच इतना खास गया नहीं था ओरांगुटान का। वही डी सिंह
कल दो खिलाड़ी जोन के बाहर, उनके सामने मुझे लगता है स्नो जॉर्ड थोड़ा दूरी पे हैं। देखने वाली बात रहेगी कितनी जल्दी वो जोन के अंदर आ पाएंगे। डी सिंह मीनवाल यहां पे ग्राफिक की आईडी को स्पॉट किया, शॉट कनेक्शन अभी के लिए मिला नहीं वो रिच क्लिच के कारण, बट जोन के अंदर तो जाना पड़ेगा और बिलीव मी मेजी ना बहुत मुश्किल। देखिए अब मुझे लगता है डेसिंग को फिनिशर्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ वो एलिमिनेट हो गए तो भी आपको मात्र केवल 4 प्लेसमेंट पॉइंट मिलेंगे और आप फिनिशर्स के लिए ज्यादा जा सकते थे, पर कैंसर इसी बीच उनको डाउन किया जाएगा विज जॉट के द्वारा ट्रिगर और समाप्त भी कर देंगे। पर ओ जी उनका शायद एक क्लियर डाउन है, जी हाँ एश उनको डाउन किया गया। इन सबके बीच में स्नो जॉर्ड जो मौजूद थे एके ओपी का शिकार होंगे, एके ओपी 7 के साथ आपको दिखाई देंगे। अभी तक हमने डार्क लॉर्ड का 8 मैक्सिमम देखा है और देखना यह कि क्या वो एके ओपी थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। आश उनको समाप्त किया जाएगा रिट्रीट के द्वारा। इस पर्टिकुलर मैच में रिट्रीट ने भी बहुत बढ़िया खेला, पर एके ओपी प्ले जोन का शिकार होंगे, उनको भी डाउन किया गया। रॉकी वो भी समाप्त और अब बस्ती है टॉप 2 की फाइट पर। देखिए तो सही 17 टोटल फिनिशेस इस पर्टिकुलर मैच में। जी हाँ 17 का खतरा है जरूर, बट चिकन थोड़ा सा दूर लग रहा है मुझे अभी, क्योंकि क्राटक की टीम वो आ चुकी है यहाँ पे। ट्रिगर के पास जरूर देखने को मिलता है शॉटगन, बट दैट्स नॉट गोना हेल्प हिम विन द चिकन, बिकॉज़ चिकन डिनर लेके जाएगी क्राटक ईस्पोर्ट्स। नंबर्स गेम का फायदा था ओरांगुटान के पास, बट क्राटक ने सही समय पे सही पुश किया और एक चिकन डिनर निकाला है। सीआरसी क्या शानदार गेम प्ले उनके द्वारा आपको देखने को मिला, सही मौके पे सही रणनीति का उन्होंने इस्तेमाल किया। जैसे ही उनको पता चला रिट्रीट वो कितने फिनिशेस के साथ हैं, उनके पास आया 5, पिछले मैच में शायद 4 या 4 निकाले थे उन्होंने, विज जॉर्ड वो भी 5 के साथ हैं, फिर हमने एडी को देखा सीआरसी से ही वो भी 4 के साथ, फिर इवो कम से कम ठीक है हाई ने कोशिश करी 4 फिनिशेस वो भी लेकर गए। काफी बेहतर खेला वहां पे क्राटिक के एडी और रिट्रीट, इन दोनों को पहले भी हमने देखा है मेजी, पहले भी बहुत जान लगाई थी इन दोनों प्लेयर्स ने अपनी टीम के साथ और अब तो शुरुआत करी है अच्छी तो कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा। एक और मैच है वहां पे भी इनको अच्छा खेलना पड़ेगा, उसके बाद जब रीग्रुप होगा रीशफल होगा उसके बाद इनको 3 मैचेस खेलने को मिलेंगे। जो इरांगल का मैप था वहां पर तो उनको स्टॉप किया गया, बट टीम ओरांगुटेन उनका वो जो ड्रॉप क्लैश है वो हो चुका है। एक ही ओपी को सबसे पहले डाउन किया जाएगा, पिछला मुकाबला बहुत बेहतरीन, लेकिन ट्रिगर उनको भी टेक डाउन किया गया, हालांकि ट्रेड्स लिए जरूर गए बट मुश्किलों में टीम ओरांगुटेन देखने को मिल रही है। जो फिनिशर है वो भी सिक्योर किए जाएंगे ट्रिगर, देखना यह है कि उनको अब क्या रिवाइवल मिल पाएगा या फिर नहीं, हालांकि 2 फिनिशर वो टीम ओरांगुटेन के खाते में भी आ चुके हैं। और दूसरे साइड एक और टीम है, 2 और टीम है मेगाट्रॉन्स, उनकी भी फाइट हो चुकी है मैवरिक्स के साथ, देखना ये कि वहां पे सिचुएशन कैसा है। पर विज जॉर्ड पिछले मैच में बहुत बढ़िया खेला, अभी भी एमो उनके वेपन में आपको दिखाई देगी। विज जॉर्ड एक और नॉक के साथ आपको देखने को मिलने वाले हैं और एनसी नो कोऑर्डिनेशन, एक आखिरी खिलाड़ी मात्र उनका मौजूद रहेगा। पर अभी भी आप देखिए ट्रिगर को रिवाइव करना बाकी है, सामने डीबीएस का प्रहार देखने को मिलने वाला है, टीम अनस्टॉपेबल शेर वो भी यहाँ पर डाउन किए जाएंगे, पर अभी भी ट्रिगर को वहां पर रिवाइव नहीं किया जा सका। वो खिलाड़ी आया और उनको फिनिश करके चला गया। ओजी जो आसानी से अपने खिलाड़ी को रिवाइव कर सकते थे वो मौका उनके पास था, पर उस खिलाड़ी को वो बचा नहीं पाए। विज जॉर्ड 3 फिनिशेस के साथ नो कोऑर्डिनेशन, भले ही यहां से कुछ लेकर ना गए हो पर काम ओजी का जरूर खराब किया। जी हाँ, बट देखिए वही वाली बात है, टॉप 16 में पहुंचना अगर आपका लक्ष्य है तो वहां पर टीम ओरांगुटेन की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। ऐसे में ये अर्ली कॉम्बैट, हालांकि खुश रहेंगे ओवरऑल क्योंकि फाइट उन्होंने जीती है, 2 खिलाड़ी उनके सर्वाइव कर रहे हैं, बट इसी बीच एक और फाइट जो हमें देखने को मिल जाएगी अनस्टॉपेबल्स, और उनके सामने मौजूद रहने वाली है वर्जन 9। देखना यह है कि कितना बेहतर तरीके से फाइट ली जा सकती है, सब उनको जानते हैं, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस हमें उनके द्वारा देखने को मिलती है। अभी के लिए वो पहला फिनिश आ चुका है टीम अनस्टॉपेबल्स के पास और देखना यह है कि किस प्रकार से वो कमबैक आएगा। दूसरी तरफ मेवरिक्स की बात करें तो बिस्कुट के रूप में एक जो फिनिश है वो आया है, पहले मैं बिस्कुट बोलता था मेरी, फिर मुझे बताया गया बिस्कुट नहीं बिस्किट होता है, बतीजी बीच लेजेंड उनको भी टेकडाउन किया गया और लैपेट देखिए उनके हाथों में डीपीएस है तो सही, पर अब अपनी टीम को बचाने का समय आ चुका है क्योंकि पहले ही 2 मैच बहुत ज्यादा खराब थे। रॉक्सी कहीं से तो आए और लैपेट उनको देख नहीं पाए और अब आखिरी खिलाड़ी बचता है एलियन, और वैसे भी उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम है, यहां से अपनी टीम को निकाल पाना बचा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है और टीम अनस्टॉपेबल। सबसे बड़ी बात कि आप देखिए तो सही कि उन्होंने अपना एक भी खिलाड़ी नहीं गवाया और जो खिलाड़ी नॉक है उसको आसानी से रिवाइव भी कर दिया जाएगा। देखना ये कि एलियन हालांकि उनको कुछ मिला भी नहीं जहां से वो अपने आप को हील कर पाए, हेलमेट भी उनके पास नहीं, अगर जाते जाते एक खिलाड़ी को अपने साथ ले गए तो फिर कहा जा सकता है कि शायद एक अंक तो लेकर जा ही सकते हैं। लेजेंड को उन्होंने हालांकि नॉक किया है और अब कामयाबी वो हासिल कर सकते हैं अपने S12 के से। मैं सोच रहा हूं कि उस नॉक को वो फिनिश क्यों नहीं कर रहे। एग्जैक्टली वही चीज मैं भी सोच रहा हूँ, उनके पास हेल्थ इतनी है नहीं कि वो एक और फाइट के लिए जा पाए और ऐसे में कम से कम वो नॉक प्ले को फिनिश करके
वो एक अंक अपने खाते में लेकर के जा सकते हैं। चलिए एक और प्लेयर को स्पॉट किया, ये बड़ी गलती जो एलियन के द्वारा देखने को मिली, दो खिलाड़ी उनके सामने नॉक्ड आउट थे, कम से कम एक फिनिश तो वो सीधे सीधे निकाल सकते थे, लेकिन कुछ भी उनके हाथ लगा नहीं, एडवांटेज उनके पास रहने वाले। और वो एक खिलाड़ी है जिन्होंने काफी ज्यादा एक ऑफ गार्ड एंगल वहां पे क्रिएट करके रखा हुआ है, हालांकि ब्लू जोन का डैमेज भी उनके ऊपर आ रहा है, सर्कल के अंदर अब जाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें थॉर की, देखना यह कि वो कितनी जल्दी अब यहां से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। M249 उनके पास मौजूद है और एमओ आप देखिए 150/25 हमें देखने को मिल जाएगी। मैं नाइट की बात कर रहा था, वो पोजिशनिंग उनकी बहुत ही ज्यादा मजेदार है और मैं देखना चाहता हूँ वहां से अगर वो एक भी नॉक निकालते हैं, इंपॉर्टेंट नॉक रहेगा वो। मजेदार है पर उनके लिए थोड़ा दर्दनाक हो सकता है क्योंकि वो जोन के बाहर है और फाइनली वो जोन के अंदर आए और थोड़ी बहुत लूटपाट मचाई जाएगी। थोड़े से फर्स्ट एड की संख्या भी बढ़ी है, 4 से 6 हो चुकी है। ऋषि वो भी तैयार रहेंगे, 3 फर्स्ट एड उनके पास, पर आप देखिए ना ही स्मोक ना ही किसी कोई भी यूटिलिटीज उनके पास, थ्रोएबल्स नहीं देखने को मिलती। पर इनसे क्रिप्ची में टीम अनस्टॉपेबल, व्हाट विज जॉर्ड, क्या बढ़िया ग्रेनेड। और वो जो दूसरा खिलाड़ी है उनको भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज पड़ चुका है टीम अनस्टॉपेबल के ट्रबल। देखना ये कि क्या वो टीम ओरांगुटान को रोक पाएंगे या फिर नहीं, पर अनस्टॉपेबल ट्रबल उन्होंने विजॉर्ड को डाउन किया और फाइनली उनको समाप्त भी कर दिया गया। ट्रबल एचपी बहुत ज्यादा कम, प्ले जोन के बाहर, और अब बचते हैं ओजी के आखिरी खिलाड़ी ऐश। वो खिलाड़ी प्ले जोन के बाहर डाउन हो गया, ऐश वो भी शायद प्ले जोन के बाहर आपको डाउन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्या इतना पर्याप्त समय उनके पास है? जी हाँ, वो फर्स्ट एड आखिरी सेकेंड पर वो फर्स्ट एड लगा और अभी भी ये खिलाड़ी इस मैदान में। 7 फिनिशर्स जो ऑलरेडी में टीम ओरांगुटान के पास देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर ऐश ने अगर सही टाइम पे पीक किया होता, इट माइट बी पॉसिबल कि वहां पे विजगॉड को रिवाइवल भी दिया जा सकता और वो खिलाड़ी को पहली फिनिश ऑफ कर देते। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी उनके ऑपोनेंट की भी, काफी बढ़िया ट्रबल वहां पर खेल के गए, पर टीम क्रैटिक इनको रोक पाने का अभी भी तरीका, ये पूरी लॉबी ढूंढ पाई है नहीं। रिट्रीट एक बार फिर से वो बेहतरीन फॉर्म में हमें देखने को मिलने वाले, और क्रैटिक के पास 4 खिलाड़ी शेष हैं। प्ले जोन वो उनका साथ उतना ज्यादा दे नहीं रहा है, एक बार फिर से उनसे थोड़ा दूर जाता हुआ नजर आएगा। काफी दूर से क्रैटिक ने रोटेशन भी अपनी दिखाई थी, बट अभी के लिए टीम ग्लैडिएटर्स उनको सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। ओरांगुटान के ऐश की बात करें, ये एक आखिरी फर्स्ट एड है, इसके बाद कुछ मौके उनके पास बचेंगे नहीं। बट आज के दिन पे जितनी तारीफ की जाए विजॉर्ड की उतनी कम रहेगी। इंपैक्टफुल फिनिशेस की अगर हम बात करें, मेरे को लगता है सबसे ज्यादा इंपैक्ट विजॉर्ड ने डाला है। देखिए 2 प्लेसमेंट पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं 0 से, उनके पास 0 प्लेसमेंट पॉइंट आता अगर ये उस फाइट को हारते और वहां पर एलिमिनेट होते, वहां से उन्होंने एक्स्ट्रा फिनिशेस भी निकाले और 2 एक्स्ट्रा प्लेसमेंट पॉइंट लेकर गए। पर सीआरसी जैसे हमने बात भी करी है, वो रुकने के मूड में है नहीं। आईडी उन्होंने एक और खिलाड़ी को देखा, जैक्सन उनको डाउन किए गए, मैट्रिक्स वो समाप्त कर दिए गए और अब आखिरी खिलाड़ी बचते हैं स्नोजॉर्ड, उनको भी देख लिया गया और देखते ही देते डी सिंह के खिलाड़ी कैंसर उन्होंने स्पॉट किया और उसी के साथ उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। इवो की स्क्वाड ने अभी तक एक भी फिनिश नहीं निकाला, देखना ये कि MOIM क्या उनके पास फिनिशेस हैं या फिर नहीं, पर नारसेन देखते ही देखते वो भी डाउन किए गए। जी हाँ, और डी सिंह के ऊपर वो पलटवार करते हुए भी नजर आएंगे। रिट्रीट को आप देखिए, एक और नॉक उन्होंने निकाला है डी सिंह के ऊपर, मुश्किलें बढ़ेंगी जरूर। वही अगर आप बात करें इवो की, अभी भी उनके 4 खिलाड़ी शेष, सर्कल के अंदर पहुंचने की एक बहुत बढ़िया कोशिश। कॉन्करर को वहीं दूसरी तरफ डाउन किया जाएगा इवो के द्वारा, कैंसर उनको पूरी तरीके से शट डाउन किया गया है। सर्कल के अंदर टीम क्रैटिक जो है वो अब आती हुई नजर आएगी। कॉन्करर एक डिफरेंट ऑफ गार्ड एंगल पे थे और उनको रिवाइवल नहीं मिल पाएगा, उनका एलिमिनेशन हो जाएगा, तो क्रैटिक के बचते हैं मात्र 3 खिलाड़ी। पर टीम इवोक वो आगे बढ़ चुके, ग्रेनेड की वो जो बौछार है वो की जा रही है और अब इससे बच पाना बहुत मुश्किल ZED की स्क्वाड के लिए। पर देखना ये कि MOIM कितने फिनिशेस वो निकाल के गए, क्योंकि अब टॉप 3 टीम बची हुई है। MOIM के पास मौका था एक्स्ट्रा फिनिशेस के लिए पर वो बहुत जल्दी एलिमिनेट हुए, पर इन सबके बीच में बैंग बैंग उनको डाउन किया जाएगा। सेज के सामने ही तो वो खिलाड़ी खड़ा हुआ था और उनको भी वहां पर समाप्त कर दिया गया, घोस्ट वो भी समाप्त, और आखिरी जो खिलाड़ी बचे हुए थे एम गॉड उनका भी समापन होता हुआ। और देखते ही देखते ही वो ठीक है, इस मैच में वो 14 फिनिशेस वाला गेम प्ले तो नहीं, पर कम से कम 4 फिनिशेस निकाले हैं। और रिट्रीट की स्क्वाड क्रैटिक ईस्पोर्ट्स 15 टोटल फिनिशेस, जिसमें से रिट्रीट निकाल कर जाते हैं 7 फिनिशेस अकेले के। जी, और सर्कल आप देखिए, सर्कल भी पूरी तरीके से क्रैटिक ईस्पोर्ट्स का फेवर देता हुआ नजर आएगा। अब यहां से एक 4v3 की सिचुएशन है, टीम इवोक उनको सर्कल के अंदर जाना ही है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। मैन एडवांटेज जरूर उनके पास, लेकिन सर्कल का एडवांटेज क्रैटिक के पास है। थॉर को आप देखिए,
उनके पास बूस्टर्स भी नहीं अपने आप को हील करने के लिए, बट रिट्रीट वो एक बार फिर से नॉक निकालेंगे, एक फिनिश भी उनके खाते में जाता हुआ, सिचुएशंस इवन स्टीवन हो चुकी है, थॉर को भी डाउन किया जाएगा, एक 2v2 में कन्वर्ट हो चुकी है ये फाइट। एडी वो आगे जा जरूर है, उनको पता है कन्फाइंड स्पेस पे इवोक की स्क्वाड मौजूद है, काफी आसानी से वो जो फिनिशेस है वो निकालने की कोशिश, और ब्लू जोन का डैमेज यहां से बहुत ज्यादा, क्रैटिक वो आसानी से चिकन डिनर अपने फेवर में लेकर के जा जरूर सकते हैं, एक आखिरी खिलाड़ी वो बचेंगे और उनको भी टेक डाउन किया जाएगा, और क्रैटिक स्टैटिक करेंगे अपने ओपोनेंट को और लेकर के जाते हुए एक इंपॉर्टेंट विनर चिकन डिनर। और साथ ही साथ रिट्रीट देखना ये कि 8 से ज्यादा क्या वो फिनिशेस लेकर जा पाए अपनी टीम के लिए या फिर नहीं, पर इन सबके बीच में MYM भले ही उन्होंने प्लेसमेंट पॉइंट 4 से 5 निकाला हो, पर ठीक है, अच्छी खबर ये रहेगी कि पहला मैच उन्होंने बहुत बढ़िया, वहां पर हम देखेंगे टीम ब्लाइंड को सबसे ऊपर 49 अंकों के साथ 34 फिनिशेस उस टीम ने निकाले हैं, और जो दूसरी टीम है वो उनके आधे पर, टीम राइवलरी 17 फिनिशेस के साथ टोटल 32 अंक। और टॉप 3 में वही 3 टीम्स हैं जिन्होंने चिकन डिनर्स निकाले, और हम इस चीज की चर्चा कर भी रहे थे कि कहीं ना कहीं तो आपको वो बैलेंस बना करके चलना ही पड़ेगा। एक्सलेंट 4 की बात करें वो तीसरे पायदान पे हैं, 24 अंक उनके पास मौजूद रहेंगे। डाउन एली स्पोर्ट्स की बात करें तो 20 अंक उनके पास भी रहेंगे। MI7 उनका भी एक नपातोला परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। सुपारी गैंग की बात करें, एक मुकाबला बहुत बेहतर लेकिन बाकी के मुकाबलों में थोड़ा साधारण सा प्रदर्शन, जेनेसिस ई-स्पोर्ट्स का वो प्रदर्शन जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे वो आया नहीं। पहला मुकाबला तभी थोड़ा ठीक ठाक गया था लेकिन उसके बाद वो डाउनफॉल देखने को मिला जरूर, बट यहाँ से जो मेजर दिक्कतें हैं मेजी वो बढ़ती हैं। मैं टेड्रेक्स ई-स्पोर्ट्स को देख के काफी खुश हूँ कि यहाँ फिनिशेज उन्होंने बहुत निकाले हैं, बट अभी भी प्लेसमेंट में काफी ज्यादा पीछे। मैं फिर भी एक बार के लिए कह सकता हूँ कि हाँ, 7E की जो स्क्वाड है वो ठीक है, वो कट ऑफ के लगभग पास है, अगर 6 मैच का भी आप लेकर चलते हो तो भी 16 आपके पास है, 18 हालांकि होने चाहिए थे, पर फिर भी 16 काम करेगा आपके लिए अगर बाकी के 3 मैच में कोई एक ऐसा मैच हो जहां आप चिकन डिनर निकाल कर जाओ या फिर फिनिशेज आपने थोड़े से ज्यादा निकाले हो तो तब भी आप 64 के अंदर रह पाओगे। पर जाहिर एक्सट्रीम उनके पास क्या प्लान होगा, टीम 5 चीफ उनके पास क्या प्लान हो सकता है, डिसेंट जिन्होंने पहले मैच में अच्छा खासा खेला था, उसके बाद दूसरा तीसरा मैच बहुत खराब गया, प्लेसमेंट पॉइंट का खाता वो खोल नहीं पाए, उसके बाद 5 के बाद सीधा 12 आता है। फिर भी मैं कह सकता हूँ T7S की स्क्वाड, उनके पास भी एक मौका हो सकता है, अगर यहाँ 12 निकाला है वहां पर जाके वो 25 अंक भी निकालते हैं तो भी मैं मान के चलता हूँ 37 उतने शायद पर्याप्त हो सकते हैं कि आप 64 के अंदर अपने आप को पहुंचा पाओ। मेरी थोड़ा सा डिफर करना चाहूंगा मैं आपसे, मुझे लग रहा है कि वो टॉप 64 में पहुंचने के लिए ना आपको शायद थोड़े और अंक चाहिए हो सकते हैं, वाइब आ रही है मुझे कंपटीशन को देख करके। बट आइए चलते हैं हम ग्रुप नंबर 2 की ओवरऑल स्टैंडिंग्स पे, जहां पे क्रैटिक ई-स्पोर्ट्स वो तो अलग ही चमकते हुए नजर आएंगे। हाफ सेंचुरी का आंकड़ा उन्होंने पार कर लिया, इकलौती टीम और हाईएस्ट अंक वाली टीम हमें देखने को मिल जाएगी 56 के साथ, और इकलौती ऐसी टीम जो 2 चिकन डिनर आज के दिन पे लेके गई है, और वो दोनों चिकन डिनर बैक टू बैक निकाला, मिरामार में निकाला, फिर सैनहॉक निकाला, हमने 34 फिनिशेस देखे थे ब्लाइंड के पास, ये थोड़ा सा एक कदम आगे 35 के साथ, वो जी 30 फिनिशेस वो निकाल कर गए हैं, और आप देखिए 7 मात्र प्लेसमेंट पॉइंट उनके पास है, 37 टोटल अंक निकाले गए। टीम इवोक वो पहला मैच बढ़िया खेला, दूसरा मैच खराब रहा, तीसरे मैच में एक गफर से वापसी करी, दूसरा पायदान हासिल किया, 36 अंक उनके पास भी रहेंगे। टीम में हम पहला मैच खेलने के बाद गायब से हो गए, पहले मैच में उन्होंने वो 12 फिनिशेस निकाले थे और वहां पे 22 अंक एक सिंगल मैच में निकाला, उसके बाद दूसरे बाकी जो मैच बचे 2 मैच उसमें उन्होंने मात्र 10 अंक निकाला। टीम ग्लैडिएटर्स उनकी भी बात करेंगे, 16 अंकों के साथ वो भी मौजूद है। टीम होप ये टीम दूसरा मैच बढ़िया खेलकर गई थी, 8 अंक निकाले थे, और तीसरे मैच में वो लेकर गए हैं शायद 3 से 4 अंक, टोटल 12 अंक उनके पास रहेंगे, पर आदि योगी जायरो एक्सट्रीम की तरह मात्र 1 अंक। जी हाँ, नो कोऑर्डिनेशन की बात करें तो देखना पड़ेगा कि जितने उनके अंक हैं जब उतने मुकाबले बचे हुए हैं तो कितना बेहतर वो खेल करके जाने वाले हैं। टीम ब्रदर्स टिल डेथ 4 टोटल अंक मात्र उनके पास रहेंगे, और आप देखिए एक भी प्लेसमेंट का अंक आए नहीं है। मेगाट्रॉन की बात करें उनके पास भी एक भी हमें प्लेसमेंट का अंक देखने को मिल नहीं रहा है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज रहती है जब भी आप